प्यार किया तो डरना क्या, अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं थी, छुप छुप आए भरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। सोहन और बरसा एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों आज पार्क में मिल रहे थे। सोहन, हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, अब हमें इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लेना चाहिए, हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? सुना है तुम्हारे घर वाले काफी अमीर हैं। अरे अमीर है तो क्या हुआ, मेरी माँ है, मेरी माँ मेरी बात जरूर मानेगी, मेरी खुशी के लिए जरूर तुमसे शादी दिलाएगी। मैं आज ही माँ से बात करती हूँ। फिर सोहन और बरसा अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। ये है पुष्पा देवी, बरसा की माँ। बरसा के पापा को गुजरे हुए काफी साल हो गए थे। पुष्पा देवी अपनी जिंदगी अकेले ही काट रही थी। पुष्पा देवी हॉल में बैठी थी, तभी उसकी बेटी बरसा अपनी माँ के पास आती है। माँ माँ, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ बेटी, कहो ना क्या बात है। माँ, वो मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या, किसी लड़के से तो प्यार करती है और शादी करना चाहती है? क्या करता है लड़का, कहाँ रहता है? अभी तो कुछ नहीं करता है, ट्यूशन पढ़ाता है और काफी गरीब भी है। वैसे भी हमें पैसों की क्या जरूरत, हमारे पास तो इतने पैसे हैं। फिर पुष्पा देवी सोचती है, अरे अगर मैं इसे डायरेक्ट मना कर दी तो शायद ये मुझ पर गुस्सा जाए, मुझसे बात न करे। नाना, ऐसे मना नहीं करती हूँ, पहले उससे मिलती हूँ फिर मना करूँगी। अरे बेटी, ये तो अच्छी बात है, एक काम कर, पहले तो उसे बुला तो घर, उसे देख तो लूँ, बातें तो कर लूँ कैसा है लड़का, फिर न रिश्ते की बात करेंगे। ओह थैंक यू माँ, मैं कल ही बुलाती हूँ उसे, देखना आपको बहुत पसंद आएगा। ये कहते हुए बरसा वहाँ से चली जाती है। और इधर पुष्पा देवी, अरे पसंद तो बाद में आएगा, पहले उसे आने तो दो, भगाने का तरीका ढूंढती हूँ, फिर जरूर वो पैसे की खातिर उसे फंसाया होगा। दूसरी रोज बरसा अपने साथ सोहन को घर लेके आती है। माँ माँ, ये रहा, ये सोहन, और सोहन यह मेरी माँ। नमस्ते आंटी। अरे खुश रहो, आओ बैठो। आप लोग बातें करो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। फिर सोहन जाकर सोफे में बैठ जाता है और बरसा जाती है किचन की ओर चाय बनाने के लिए। सोहन को देखकर पुष्पा देवी कहीं खो से जाती है। तभी सोहन कहता है, आंटी आंटी। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे हम कहाँ थे। ओ तुम बरसा से प्यार करते हो, यही ना? हाँ आंटी, मैं बरसा से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बरसा से शादी करने के बाद उसे कहाँ रखोगे? उसे गांव लेके जाऊंगा आंटी, वहाँ हमारा घर है, वहीं रहेंगे हम लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता बरसा गांव में रह पाएगी। लेकिन वो तो कह रही थी कि वो रह सकती है। सोहन को देखकर पुष्पा देवी मनी मन सोचती, अरे कितना अच्छा गबरू जवान है, काश मेरा पति भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, मैं भी अपनी जिंदगी कितनी खुशी खुशी बिताता। उनके जाने के बाद तो मैं एकदम से अकेली हो गई। पुष्पा देवी ये सब सोची रही थी कि बरसा चाय लेकर वहाँ पहुँच जाती। अरे माँ माँ, कहाँ खो गई? तुम्हें सोहन पसंद तो आया ना? अरे हाँ हाँ बेटी, बहुत पसंद आया। एक रोज जब बरसा घर पे नहीं थी तो पुष्पा देवी सोहन को अपने घर बुलाती है। पुष्पा देवी हॉल में बैठी हुई थी, तभी सोहन आता है। अरे सोहन, आओ आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो बरसा नजर नहीं आ रही है, घर के अंदर है क्या? अरे नहीं सोहन, घर पे बरसा नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाई हूँ, तुमसे कुछ खास बातें जो करनी है। हाँ हाँ कहिए ना, क्या बात है? अरे मैं वो कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम बरसा को किस कारण फंसा के रखे हो। मैं बरसा से प्यार करता हूँ। बरसा से प्यार करते हो या उसके पैसे से प्यार करते हो? सच सच बताना, मुझे सब मालूम है। लेकिन मैं वो, अरे लेकिन यकीन छोड़ो, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। तुम्हें ये सारा पैसा मिल सकता है, सब कुछ मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। वो कैसी शर्त? शर्त ये है कि तुम बरसा से नहीं मुझसे शादी करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद आए, इसीलिए तो मैं तुम्हारे ऊपर सारा संपत्ति लुटा सकती हूँ, सारा पैसा तुम्हें दे सकती हूँ अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो। अब सोच लो, बरसा से शादी करके उसे गांव में ही रखोगे और वहीं रहोगे, और मुझसे शादी करके तुम यहाँ राज करोगे। लेकिन मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? आप मुझसे कितने बड़े हैं और लोग क्या कहेंगे?
बरसा क्या सोचेगी? तुम्हें दुनिया वालों की फिक्र है, बरसा की फिक्र है या पैसा चाहिए? तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, तुम शान और शौकत से रह सकते हो, एक अमेरिकी जिंदगी जी सकते हो। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या चाहिए, वो गरीबी की जिंदगी, ठोकर भारी, या फिर अमीरी की जिंदगी चाहिए? सुहन सोच में पड़ जाता है। तुम अब जा सकते हो, सोच के अच्छे से विचार करने के बाद मुझे बताना। ये सब सुनने के बाद सोहन वहाँ से चला जाता है। और इधर पुष्पा देवी, अरे सोहन मुझे पता है कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम मेरी बेटी को पैसे की खातिर ही फंसा के रखे थे, इसीलिए तो आज मैं तुम्हें पैसों से तोल रही हूँ। और मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें तो अपना बना कर ही रहूंगी। सोहन घर आता है और दिन भर इसी बात को सोचते रहता है। अरे अब मैं क्या करूं? उस बुढ़िया से शादी कर लूं, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, पैसा, शान और शौकत, अमीरी वाली जिंदगी, या फिर उसकी बेटी बरसा से शादी करूं कि उस बरसा को मैं अपने साथ यहाँ गांव में लेके आऊं और वही जिंदगी, ठोकर वाली जिंदगी बिताऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा, प्यार चुनूं या पैसा। अब बरसा पार्क में आकर इंतजार करती है सोहन का, जहाँ वो दोनों हर रोज मिलते थे, लेकिन सोहन अब नहीं आता है। बरसा घंटों इंतजार करती है सोहन का, लेकिन सोहन का कोई पता नहीं। अरे सोहन को क्या हो गया है? वो मुझसे बात भी नहीं करता है और यहाँ मिलने भी नहीं आता है। कहाँ गया है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता। जब से सोहन माँ से मिला है वो बदल सा गया है। अब ऐसे ही एक रोज अचानक से पुष्पा देवी और सोहन शादी करके घर आ जाता है। जैसे दोनों घर के अंदर आते हैं, सामने बरसा थी। बरसा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरे सोहन, तुम इस हालत में माला पहन के और माँ के साथ, इसका मतलब तुमने माँ के साथ शादी कर ली? अरे बरसा सुनो तो। अरे सोहन, और सुनने के लिए रखे क्या हो? और माँ, तुमने मेरे होने वाले पति के साथ खुद शादी कर ली? अरे बेटी अब क्या करूँ, मन में थे अरमान, वो जाग गए। मुझे सोहन काफी पसंद आया, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। बाबा बहुत खूब, बहुत खूब। बरसा के अरमान आंसुओं में बह गए। बरसा जिससे चाहती थी शादी करना, वो उसकी माँ से शादी कर चुका था। अरे सोहन चलो चलो घर के अंदर चलो, इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप चलो मैं आता हूँ। जल्दी आना, स्वागत की तैयारी भी तो करनी है, कमरा सजाना भी है। ये कहते हुए पुष्पा देवी वहाँ से चली जाती है और सोहन बरसा के समीप आता है और कहता है, बरसा मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचाया। अब छोड़ो ना सोहन, और ये सब का कुछ फायदा नहीं है। अब तुम ही कहो, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती थी, अब तुम्हें पति कहूँ या पिता? ये कहते हुए बरसा गुस्साते हुए वहाँ से चली जाती है। क्या पैसा इतना भी जरूरी है कि वो प्यार को भी तौल ले? पैसों की खातिर सोहन ने जो किया ठीक किया। आज पुष्पा और सोहन की शादी की सुहागरात थी। पुष्पा बिस्तर पर बैठी थी और इस खुशी में गा रही थी, अरे प्यार किया तो डरना क्या, अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आए भरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। तभी सोहन कमरे में आता है, ये देख पुष्पा देवी काफी खुश हो जाती है। अरे मेरे सोहन तुम आ गए, आओ आओ। फिर सोहन नजदीक जाता है और बिस्तर पर बैठता है। तभी पुष्पा देवी दूध का ग्लास आगे बढ़ाते हुए कहती है, अरे सोहन मेरे पति, ये लो दूध पी लो। मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मेरी बाकी चार बेटियों से भी शादी करनी पड़ेगी आज ही, वरना। क्या मैं आपके बाकी चार बेटियों से भी शादी कर लूँ? इसका मतलब मैं पांच पांच शादियां करूँ? आज समीर और उसकी पांच बीवियों की स्वागतात थी। सभी बीबियां हाथ में दूध का गिलास लिए समीर का इंतजार कर रही थी। तभी समीर कमरे में पहुंचता है। ये है सुशीला देवी। सुशीला देवी के पांच बच्चे थे, पांचों बेटियां। बेटियां काफी बड़ी हो गई थी लेकिन अभी तक किसी की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए सुशीला देवी काफी परेशान रहा करती थी। पांचों बहन एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते
पांचों बहनों में काफी अच्छी बनती थी, इसीलिए हमेशा साथ साथ ही रहा करते थे। एक रोज सुशीला देवी के घर काशीराम अपने बेटे संजय के साथ पहुंचता है रिश्ते की बात करने के लिए। इससे सुशीला देवी काफी खुश होती है। अरे काशीराम जी, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं सुशीला बहन, और क्या तकलीफ, अपने बेटे की शादी हो जाए, कितनी लड़कियाँ दिखा चुका हूँ, लेकिन इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है, इसीलिए आपके घर आया। आपकी पांच पांच बेटियाँ, शायद इसमें से किसी को पसंद कर ले। अरे हाँ हाँ, अवश्य पसंद आएगी, मेरी बेटियाँ काफी खूबसूरत है। फिर संजय एक एक करके पांचों लड़कियों को ध्यान से देखता है। पांचों लड़कियाँ सुशीला देवी के पीछे खड़ी थी, तभी संजय को एक लड़की पसंद आ जाती है। संजय कहता है, अरे पापा मुझे वो लड़की पसंद है, वो साइड वाली। चलो बेटा, एक काम तो अच्छा हुआ, तुम्हें लड़की तो पसंद आ गई। सुशीला देवी, वो देखी आपकी साइड वाली लड़की, उसे मेरा बेटा पसंद किया। ओह कौन वो? वो मोना है उसका नाम। चलिए बहुत अच्छा, लड़की बहुत अच्छी है, काम काज भी खूब अच्छे से करती है और बहुत सुशील और शांति है। चलिए सुशीला बहन, और बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए यही खत्म करते हैं, और जल्दी से जल्दी पंडित जी से शादी की तारीख तय कीजिए। हम अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करा देना चाहते हैं, नहीं पता आगे जाके इसका मन बदल जाए तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत होती है। अरे काशीराम जी चिंता न करें, आज ही मैं पंडित जी से बात करके आपको खबर भिजवाता हूँ। काशीराम काफी खुश था क्योंकि उसके बेटे संजय को आज लड़की पसंद आ गई थी फाइनल। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और इधर मोना काफी खुश होती है उसकी शादी को लेकर, और उससे ज्यादा उसकी चार बहनें। फिर गांव के ही मंदिर में मोना और संजय की अच्छे से विधि विधान से शादी करवा दी जाती है। इस शादी से दोनों परिवार काफी खुश थे। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, अब जाइए बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए और अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। फिर संजय और मोना दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। पहले संजय के पापा के पैर छूते हैं, उसके बाद मोना की माँ के पास आते हैं। मोना की माँ के पैर छूने के लिए संजय और मोना दोनों जैसे ही झुकते हैं, संजय वहाँ पर गिर पड़ता है। अरे अरे बेटा क्या हो गया, क्यों गिर गया? अरे बेटा संजय क्या हो गया? सभी कोई संजय को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजय और नहीं उठता है। मोना शादी के दिन ही विधवा हो गई थी, उसके पति संजय की मौत हो गई थी। अरे ये क्या हो गया, मंदिर में अपशगुन, ये कैसा अपशगुन है? अरे बेटा संजय, तुझे क्या हो गया बेटा, मेरा एक ही बेटा था, कितना खुश था शादी से, लेकिन आज क्या हो गया? अरे मेरा बेटा संजय, अरे जरूर इस लड़की में कोई दोष है जिस कारण मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। ये कुलक्षणी लड़की को मेरे सामने से लेके चले जाओ, तुम लोग लेके जाओ। आखिर मोना के पति की अचानक से ऐसे मौत क्यों हो गई? जानने के लिए चलते हैं कुछ दिन पहले। एक रोज पांचों बहन घर से निकली हुई थी। वो पांचों काफी शैतान थी और बदमाशियां करते रहती थी, काफी नटखट थी। रास्ते में जो कोई भी मिल जाता उसे परेशान कर देती थी, इसीलिए सभी कोई उन सबसे बच कर रहते थे। एक रोज वो पांचों बहन घूमते घूमते नदी किनारे पहुंचती है, जहां पर देखती है कि एक गधा बंधा हुआ है। वही दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे एक मुनिवर तपस्या में लीन थे। ये सब देखकर वो आपस में बात करती है। अरे 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 देखो देखो, ढोंगी बाबा ढोंग कर रहे हैं और गधे पे चढ़ के आए हैं। सभी कोई उस मुनिवर का काफी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो अपनी तपस्या में मग्न थे, इसलिए उनके बातों को ना सुन पा रहे थे ना ही कुछ, वो अपनी तपस्या कर रहे थे। अरे ये ढोंगी बाबा तो अपनी तपस्या में ढोंग कर रहे हैं, चलो चलो उनके गधे के साथ खेलते हैं हम लोग। हाँ हाँ चलो चलो, लेकिन मैं पहले चढ़ूंगी। नहीं नहीं मैंने पहले देखी हूँ तो मैं पहले चढ़ूंगी, गधा का सवारी करूंगी। फिर पांचों बहन उस गधे के पास पहुँच जाती है, जहाँ गधा अपने मन से खाना खा रहा था, घास चर रहा था। अरे ये गधा तो खा रहा है। अरे खा रहा है तो खाने दो, हमें क्या, हमें तो सवारी करनी है। हाँ सही कह रही है,
चलो गधे पर सवारी करते गधे के पीठ पर चढ़ते हैं। फिर उनमें से एक बहन गधे के पीठ पर कूद के चढ़ जाती है। गधे को काफी भारी वजन लगती है। गधा उछलने लगता है, जोर जोर से चीखने लगता है। नेचू, 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 नेचू। सभी बहनों को काफी मजा आ रहा था। वो सभी वहाँ सामने उछल रहे थे, कूद रहे थे और गधे के पीठ पर एक बहन चढ़ी हुई थी। तभी एक बहन जाती है और गधे के रस्सी को खोल देती है मजाक मस्ती में। रस्सी खुलते ही गधा अनकंट्रोल हो जाता है। वो इधर उधर उछलने लगता है, दौड़ने लगता है और अचानक से दौड़ते दौड़ते जाकर उस साधु बाबा को एक धक्का मार देता है, जिससे साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है। साधु बाबा काफी गुस्सा जाते हैं। दुष्ट बालिकों, ये तुमने क्या किया? मेरे गधे के साथ मजाक की और मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं कितने दिनों से यहाँ तपस्या कर रहा था और तुम लोगों ने मजाक मस्ती में मेरी तपस्या को भंग करने की दुस्साहस की। अरे ओ ढोंगी बाबा, अब अपना ढोंग बंद कर दो, ये कोई तपस्या नहीं, यहाँ तो तुम खुद ढोंग कर रहे थे। क्या मैं ढोंग कर रहा था? दुष्ट बालिके, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे ढोंगी कहा? मैं तुम सबको श्राप देता हूँ, जैसे तुम लोगों ने मजाक मस्ती में मेरी तपस्या को भंग की, उसी प्रकार अब तुम लोगों के जीवन में भी यही होगा। तुम लोगों का विवाह भी अब एक ही लड़के से होगी, तभी तुम्हारी शादी टिक पाएगी, वरना तुम लोग कभी भी अपने पति के साथ नहीं रह पाओगे। अरे देखो देखो, ढोंगी बाबा श्राप दे रहे अपने ढोंग से। चलो चलते हैं, ये ढोंगी बाबा को अपने ढोंग करने दो। फिर पांचों बहन वहाँ से चली जाती है। और इधर बालिके, तुम लोगों ने मेरे श्राप को ढोंग कहा, जब तुम लोगों को ये पता चलेगा तब समझ में आएगा मेरा श्राप ढोंग था या क्या था। फिर पांचों बहन घर आकर अपनी माँ को सारी कहानी बताती है कि उस साधु बाबा के साथ क्या क्या हुआ। अरे बेटी, ऐसे तुम लोगों को हर किसी के साथ मजाक नहीं करनी चाहिए। अगर वो सच में ही तपस्या कर रहे होते तो तुम लोगों को श्राप लग जाता, ऐसा नहीं करते ना बेटी। अरे माँ छोड़ो ना, वैसे ही वो देख के ही ढोंगी लग रहा था, वो कोई तपस्वी नहीं था। आज सुशीला देवी को ये रियलाइज होता है कि जरूर उस तपस्वी के श्राप के कारण ही आज ऐसा हुआ। अरे अगर वो तपस्वी ये श्राप दिए थे कि इन पांचों का विवाह एक ही लड़के से होगा, तभी वो लड़का अच्छे से जीवन कर पाएगा, घर बना पाएगा इन पांच बहनों के साथ, तो क्या ऐसा ही होगा। सुशीला देवी अब काफी चिंतित हो गई थी, काफी परेशान हो गई थी उस तपस्वी की बात को लेकर। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। रीना और समीर एक दूसरे को धीरे धीरे जानने पहचानने लगते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और दोनों एक रोज शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रीना समीर को लेकर अपने घर आती है अपने माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। आओ समीर आओ, ये मेरा घर है छोटा सा, आओ माँ माँ। रीना की आवाज सुन उसकी माँ सुशीला देवी और उसके चार बहनें घर से बाहर निकल आती है। रीना की ये दशा देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, सभी सोच में पड़ जाते हैं कि रीना को पता था तब भी उसने कैसे शादी की। अरे रीना बेटी, ये क्या कि तुम शादी करके आ गई? हाँ माँ, मैं समीर से प्यार करती थी, इसलिए हम दोनों ने आज मंदिर में शादी कर ली हूँ, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं हम लोग। अरे रीना बेटी, तू भूल गई क्या मोना के साथ क्या हुआ था? हाँ रीना, तुम भूल गई क्या मेरे साथ क्या हुआ था कि तुमने फिर से ये गलती कर दी, अब क्या होगा? अरे माँ, मैं तो भूल ही गई थी, अब क्या होगा समीर? अरे अरे अरे, क्या हो गया और क्या हुआ था, मुझे भी तो कोई बताएगा। अरे समीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे शादी कर ली। क्या गलती हो गई? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी कर ली, इसमें गलती की क्या बात है? अरे समीर बेटा, तुम्हें नहीं पता है, बहुत लंबी कहानी है, चलो घर के अंदर चलो, हम बताते हैं तुम्हें। फिर सभी कोई घर के अंदर जाते हैं। फिर सुशीला देवी घर के अंदर बुलाकर समीर को सारी कहानी बताती है। समीर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अरे रीना, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी जिंदगी भी खत्म होने वाली होगी, कभी भी मैं ऊपर वाले को प्यारा हो सकता हूं। नहीं समीर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी,
मैं कुछ भी करूँगी, मुझे एकदम से याद नहीं था। नहीं, मैं तो कभी तुमसे शादी नहीं करती। नहीं नहीं समीर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं कुछ भी करूँगी। अरे आप लोग अब बताइए मेरे पास क्या उपाय है, मेरी जिंदगी बचाइए। मुझे नहीं पता था मेरा प्यार और मेरी शादी इतनी महंगी पड़ जाएगी मेरे लिए। अरे समीर बेटा, इसका अब एक ही उपाय है। अरे माँ जी बताइए ना, बताइए ना कौन सा उपाय है, मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मेरी बाकी चार बेटियों से भी शादी करनी पड़ेगी आज ही, वरना। क्या मैं आपके बाकी चार बेटियों से भी शादी कर लूँ? इसका मतलब मैं पाँच पाँच शादियाँ करूँ? आदमी एक बीबी को अच्छे से नहीं रख पाता है और मैं पाँच पाँच बीबियों को रखूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। अब बेटा तुम्हारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब सोच लो क्या करना है। समीर गहरी सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करेगा। खुद की जिंदगी बचाने के लिए उसे और चार शादियां करनी थी। समीर के पास और कोई दूसरा उपाय नहीं रहता है। अंत तक समीर मान जाता है। फिर गांव के ही मंदिर में आकर समीर बाकी चार बहनों से शादी कर लेता है। एक बहन से तो पहले कर चुका था, अब उसकी पांच बीबियां हो चुकी थी। आज समीर और उसकी पांच बीबियों की स्वागतात थी। सभी बीबियां हाथ में दूध का गिलास लिए समीर का इंतजार कर रही थी। तभी समीर कमरे में पहुंचता है। अरे तुम लोग पांचों दूध का गिलास लिए खड़ी हो, मैं इतना दूध थोड़े ना पी पाऊंगा। अरे समीर आज हमारी स्वागतात है और ये शगुन होता है, दूध तो पीना पड़ेगा। फिर समीर जाकर बेड पर बैठता है और उसकी सभी बीबियां एक एक करके समीर को दूध पिलाती है। अरे 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 बस करो बस करो, और मैं नहीं पी पाऊंगा, बस करो। ऐसे कैसे नहीं पी पाओगे, पीना पड़ेगा। फिर सभी बीबियां समीर को जबरदस्ती दूध पिलाने लगती है। ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर एक पति रहा और उसकी पांच बीबियां अपने अपने मर्जी से उसको तो चलाने की कोशिश करेगी, अब समीर की लाइफ कैसे चलेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोगों को क्या लगता है।